मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री भांडर विधानसभा प्रभारी कमलेश्वर पटेल एवं श्यामला विधायक कुंवर घनश्याम सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भांडर विधानसभा में तूफानी जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इन दिनों भांडर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर भांडर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भांडर क्षेत्र की जनता का भारी जनसमर्थन मिलता नजर आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार भांडर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का तूफानी दौरा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें आपकी जनता न्यूज पर, सीधे भांडर विधानसभा से, जहां पर भांडर विधानसभा में से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया के साथ बड़ी संख्या में जन समर्थन के साथ लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें भांडर विधानसभा की, जहां पर भांडर विधानसभा प्रभारी पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल एवं भांडर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया, छिंदवाड़ा से प्रभारी गुरुशरण जी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता भांडर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक दर्जन गाँव में जनसभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को किया स्वागत करें। बात चुनाव होता है और आपके यहाँ असमय चुनाव हो रहा है। जब कोई मर जाता है, कोई विधायक मर जाए, कोई सरपंच मर जाए, कोई सांसद खत्म हो जाए, तब वहां चुनाव होता है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव अकारण हो रहा है और यहाँ से जिनको आपने चुन के भेजा था उनकी गलतियों की वजह से हो रहा है। और हम तो ये कह सकते हैं कि भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए और जो 25 विधायक इस्तीफा देके और दोबारा चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, वो वहां की क्षेत्र की जनता के लिए मर चुके हैं, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि खुद कह रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी की आंधी चल रही है, सभी के दिल दिमाग में ये बात पैदा हो गई है, कैसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पहली बार मिला था। अगर 5 वर्ष ये मुख्यमंत्री रह जाते तो समझे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल जाती, ऐसा लोगों के मन मस्तिष्क में है। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी का। जब सरकार बीजेपी वाले उन्हें हमारी गवर्नमेंट नहीं आने वाली गए थे, बीजेपी वाले लेके भाग भी गए थे, तो माननीय कमलनाथ जी को जब सरकार मिली, खजाने में कुछ नहीं मिला और कर्जा मिला, अब ऐसी स्थिति में फिर कैसे सरकार चलाई माननीय कमलनाथ जी ने? खुद उधार पैसा लेकर के उन्होंने अपनी रिस्क पर उधार पैसे लेकर के सरकार को शुरुआत किया था, सरकार चलाई थी। ऐसा कोई मुख्यमंत्री कभी मिल सकता है क्या, अपने पैसों से सरकार चलाना? यही नहीं, इसकी बड़ी एक विदेशी मैगजीन थी, उसने लिखा था कि भारत में ये अजूबी घटना है कि कोई भी व्यक्ति निजी पैसे लगा करके और सरकार चलाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इसलिए सभी को ऐसा लग रहा है कि माननीय कमलनाथ जी को एक बार मौका दे करके 5 वर्ष का सरकार चलाई जाए तो किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की, पुरुषों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, शिक्षित बेरोजगारों की, अशिक्षित बेरोजगारों की शायद तकदीर खुल जाए, ऐसा लोग सोच रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब सरकार लौट करके आएगी, 28 में से 28 सीटें कांग्रेस जीते, एक भी कर रहे हैं भाजपा में शामिल होने की। 5 मार्च को उन्होंने डाला फेसबुक पर, इसका मतलब यह है कि उनको 35 करोड़ की पेशकश की गई होगी और 4 दिन बाद वो हवाई जहाज में बैठ के उड़ गए। अब उनने फेसबुक पे डाला तो उनका मतलब होगा कि 35 करोड़ मिले, थोड़े और बढ़ाओ,
अब पता नहीं बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन चार दिन बाद वो हवाई जहाज में उठ के चले गए। ये फेसबुक पे उन्होंने डाला था, बाद में बेंगलोर पहुंचने के बाद चार पांच दिन बाद याद आई तब उन्होंने डिलीट किया। इसमें लिखा है संतराम सरवनिया 5 मार्च, समय 3:05, 15:05, मतलब 3:05। घोटाले के पैसे आने लगे सामने, कांग्रेस विधायकों को 35-35 करोड़ का लालच देकर तोड़ने में लगे घोटालेबाज शिवराज। ये खुद संतराम सरवनिया ने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला, इसलिए 35 करोड़ की का फिगर सामने आ गया। अब सिंधिया जी बड़े आदमी हैं, होशियार हैं, उनकी बात सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ना कुछ है चक्कर। लोगों को एसी होटल में रखा गया, बेंगलोर में विधायकों को एसी होटल में रखा गया जहां इनमें रोज है। 400 एकड़ में बना हुआ है, बहुत भव्य बगीचे, लॉन, फव्वारे, बहुत आलिशान होटल, 30,000 रुपये रोज का किराया, उसमें उनको रखा गया। विशेष विमान से, जैसे अपन कार कर लेते हैं ना टैक्सी, कि कोई बीमार है ग्वालियर ले जाना है तो अपन ने कार कर ली किराए पर, भाड़े पर, ऐसे भाड़े पर पूरे के पूरे विमान लिए गए। वो विमान कई बार गए, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, किराए के विमान, करोड़ों रुपये उसमें खर्च हुए। तो ये आप मुझे ये बताइए, ये पैसा कहाँ से खर्च हुआ? सरकारी खजाने से तो हो नहीं सकता, कोई चेक तो स्वीकृत कर नहीं सकता, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो। ये काला धन है, ये गोपनीय कमाई है, रिश्वत की कमाई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एकत्रित कर रखी है उनके नेता।